अरशद भाई, ये सर्दियों में हमने ये वॉकिंग टनल बनाया था। अच्छा। तो इसके ऊपर प्लास्टिक डाल दिया था। सही। ठीक है, नेट इसके ऊपर नहीं था। सही। तो उस वक्त हमने इसमें मिर्च और बैंगन की ज़मीन के अंदर काश्त की थी। ठीक है। अभी गर्मियां आ गई हैं जी, हमने नेट उठा दिए। ठीक है। अब प्लास्टिक उठा दिए। अब इस पर नेट डालना था लेकिन इरादा हमारा बदल गया। अच्छा। अब हमने ये किया कि इसकी साइडों पे करेला लगा दिए। ओह गुड। बेहतरीन वैरायटी करेले की। सही। और इसके ऊपर जो नेट है जी, मुकम्मल नेट, यानी जो बड़े 4 इंच खाने वाला नेट है। हाँ जी। क्रॉप नेट जिसको बोलते हैं जी, जी, जी। वो नेट इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है। तो करेला आप अपने नाज़रीन को दिखाइएगा, साइडों पे हमने करेला लगाया हुआ है। अच्छा, वो करेला फिर इसके ऊपर जी, इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा। तो हमने ये सोचा है कि जब तक करेला ऊपर आता है, हम क्यों ना इस मौके से और फायदा उठाएं। ठीक है। तो ये जगह हमने तैयार कर ली है, इसमें खाद भी डाल दी है। ठीक है। और बिल्कुल ये बेहतरीन नरम मट्टी है। ओके। 2-3 सालों से इस पे हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। तो अभी ये जमीन बिल्कुल तैयार है जी, इसमें खाद डाली हुई है। अब तैयारी के मरहला मैं आपको दिखाता नहीं हूँ जी, उसका कोई खास फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है? ठीक बिल्कुल है। जमीन नरम होनी चाहिए जी, जी। बेहतरीन उसमें खाद होनी चाहिए। ठीक है। और इंताई भुरभुरी होनी चाहिए। सही। तो अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने जो हाइब्रिड बीज हैं वो किस तरह जमीन के अंदर लगा। क्या बात है जनाब। ठीक है जी। ठीक है, चले। अरशद भाई, आपने इसमें 1-1 इंच या 1.5-1.5 इंच के फासले पे ऐसे सीधी किसी भी छोटी सी लकड़ी की मदद से आपने लाइनें खींच लेनी। ठीक। ये जमीन फुली बहुत अच्छी तैयार और बहुत नरम जमीन है। सही। ये यूं करके इनका आपस में फासला कितना होना चाहिए? फासला तकरीबन 1-1.5 इंच। अच्छा, काफी है। सही। ये आपने लाइनें खींच ली। ठीक। अब ये लाइनें खींचने के बाद जी आपने ये करना है जी, जी ये बीज है, ये हाइब्रिड बीज है। अच्छा। ये मिर्च है स्काई फ्लाई। ओके। स्काई फ्लाई वो मिर्च की वैरायटी है, बहुत कड़वी होती है। अच्छा। जो ऊपर की तरफ गुच्छों की शक्ल में लगती है। ये इसकी तस्वीर दिखाइएगा जी, एक ये जी, ये देखिए जी। अच्छा, ऐसी होगी है जी। जी सही। ओके, आगे जी ये लिफाफ बीज दिखाइएगा जी। ये बीज है इसके अंदर। सही। अब देखिए, इस बीज को दवाई लगी हुई है ऑलरेडी। अच्छा। अगर दवाई ना लगी हो तो इस पे फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है और बीज उगने से पहले ही ज़ाया हो जाता है जी, ज़ाया होने का इत्माल होता है। ठीक ठीक ठीक। अब आपने ये बीज पकड़ा जी, और ये जो तकरीबन 1-1 इंच के फासले पे ये आपने बीज डालना शुरू कर। ओके, सही। इसी तरह आपने तमाम ये जो हल्की हल्की फरोज बनी है, नालियाँ सी बनी है, इनमें बीज डालना है। सही। अब बीज डालने के बाद 2 तरीके जी। अगर तो आपकी मट्टी इंतहाई नरम है जी, इंतहाई नरम है जी, जी। और वो बीज को के उगाव को रोकती नहीं है। हाँ जी। तो फिर ये तरीका है, आप इसको बड़े प्यार से ऐसे कर ये हल्की सी मट्टी ये दबा दें। ठीक ठीक है। और अगर आपकी मट्टी नरम नहीं है जी, तो फिर आपने ये करना है कि इसके ऊपर गोबर की छनी हुई खाद डालनी है। अच्छा। छनी हुई खाद बारीक सी तय बिछा दें। ठीक। कितनी बिछानी है जी? तकरीबन 1.25 इंच तक बिछा दें ताकि बीज आपका मुकम्मल ढांपा जा सके। सही, सही सही। और उसके बाद आपने इसको फुवारे से पानी दे देना है। ये आपने इसको, चूंकि ये मट्टी इंतहाई नरम है, इसलिए इसको आपने बड़े नरम हाथों से बंद कर देना है जी। बंद करने के बाद आपने इसमें पानी लगाना है। सही। ये अच्छा। और हल्का शावर करना है। सही। पाइप से नहीं देना है पानी, वरना बीज सारा आपका उखड़ेगा। ठीक। तो ये तरीका है पानी देने का। गुड। अब अगर सर्दियों होती जी तो इसके ऊपर हम प्लास्टिक डाल देते, क्योंकि रात को कोहर पड़ती है। हाँ जी। और मिर्च को उगाव के लिए 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ये अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल मिर्च फ्रीज कर देती है। अच्छा। पौधा बढ़ता नहीं है। ठीक। अभी आइडियल मौसम है इसके लिए ना? अभी आइडियल मौसम है, ओपन में भी आइडियल मौसम है, इसलिए आप देखें इस पे ना हमने नेट डाला है जी, और ना ही प्लास्टिक डाला है। क्या बात है। तो करेले जो हैं, जब तक ये थोड़े से ऊपर होते हैं तब तक ये हमारी पनीरी तैयार हो जाएगी, हम इसे गमलों में शिफ्ट कर लेंगे। सही। तो एक टिकट में दो मजे। तो ये जो मैंने जिक्र किया है कि ये बाहर हमने करेले लगाए हैं, तो ये तकरीबन 2-2.5-2.5 फुट पे बेहतरीन वैरायटी करेलों की लगाई है। इसके ऊपर जाल डाल देंगे और करेले दरमियान में, ये आप जब टनल में आइंदा आएंगे तो टनल में करेले लटके होंगे। हम करेले खाएंगे इंशाल्लाह जी, कीमा बार के। क्या बात। ये मिर्च को लगाए हुए आज तकरीबन
आठवां नौवां दिन है। अच्छा। लेकिन चूंकि रात का भी टेम्परेचर अभी जो है वो 15 डिग्री पे पहुंच चुका है और दिन का भी 25 से 26 से ऊपर है, तो इसका उगाव बड़े मुनासिब टाइम पे होता है। ठीक है। अब ये उगनी शुरू हो गई है। सही। नजर आ रही है आपको? नहीं जी, अभी जी मुझे नजर आ रही है, ये देखिए। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत बारीक है, ये देखिए। सही। ये नजर आ रही है जी जी। इसी तरह इसके बारीक बारीक ये देखें। हाँ जी। अब ये देखें, इसमें एक गलती है। अच्छा। वो क्या है वो बताएं? कि ये बीज ऊपर रह गया। सही। ये बीज ऊपर रह गया, ये बीज ऊपर रह गया। तो अगर कोई बीज ऊपर हो तो इसको आपने बड़े टाइमली इसको उंगली लगा के नीचे कर देना मिट्टी में। ठीक है जी। उसके बाद हमने ये आगे लगाई थी, इसको थोड़े से दिन और ज्यादा हो गए। अच्छा। तो ये आप देखें लाइनों में किस तरह उगा हो रहा है। सही, सही। एक एहतियात करनी है जी जी अर्शद भाई के, जब ये बीज उग रहा हो जी जी, तो आपने इसके ऊपर की जो मिट्टी है जी जी, उसको नरम रखना है। सही। पानी देना है। ओके। शावर से। सही। और हल्का पानी देना है। ठीक। खासकर जब दोपहर हो जाती है जी जी, तो बाजू का एहतियात नहीं होती, पता नहीं चलता है जी जी, तो ऊपर की सतह सूख जाती है। सही। और इसकी रूट सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ होता है, कुछ बीज उगाओगे मरेले में होते हैं, कुछ दो पत्ते निकाल चुके होते हैं, तो आपने इसको शावर से हल्का पानी जरूर देना, बहुत थोक के पानी नहीं देना है। ओके। ठीक हो गया जी। सही हो गया जनाब। अर्शद भाई ये पनीरी आप देखें जी, ये जो हमने पहले की लगाई हुई है ये। अच्छा। थोड़ी सी सर्दी थी उस वक्त लगाई है। अच्छा। ये भी उसी मिर्च की है जो हमने पहले दिखाई है जी, जी, या माशाल्लाह पनीरी गमलों में चेंज करने के काबिल हो गई है। अच्छा, शिफ्ट करने के जी लिए। पहले हम गमलों में ही डायरेक्ट बीज लगाते थे। अच्छा। लेकिन गमलों की तासीर और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ ये जी ये आप देखें जी, ये डंडी इतनी मोटी नहीं होती थी। सही। तो ये पिछले साल हमारे तजर्बे में बात आई है कि ये इतनी मोटी डंडी इसकी हो जाती है जब और जमीन पे लगाते हैं तो? जमीन पे, जमीन की तासीर अपनी है। अच्छा। ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये इस पे गोल गोल कमाने भी हमने लटकाए। हाँ जी। ठीक है जी। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है आर्कों का कि जब सर्दी हुई थी तो उस वक्त हम इस पे रात को सुबह खोल देते थे और रात को इस तरह प्लास्टिक से ढांप देते थे। सही, सही, सही। अभी ये तकरीबन प्लास्टिक उठाने का मरहला आ गया, इसलिए ये नजर नहीं उस तरह आएगा। एक तरफ से आपने पक्की मट्टी डाली हुई थी। अच्छा। दूसरी तरफ से रात को इंटे रख देते थे। ये सर्दियों की वजह से, सर्दियों की वजह से, कोहरे की वजह से, कोहरे की से ये बचे। क्या बात, ये इसकी एहतियात है। क्या बात। अर्शद भाई वो जो जमीन में पनीरी लगाई थी जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको उखाड़ के तो हम यूं गमलों में शिफ्ट कर देते हैं। सही। ये 10-10 पौधे गमले में लगा देते हैं। अच्छा। 10 पौधे लगाने का और फिर इसे इंतहाई छांव में रखते हैं। अच्छा। 2 दिन के लिए। ठीक। छांव के बाद जी, ताकि ये ताज़े लगे हैं। हाँ जी। तो सूखे ना। ठीक। छांव के बाद फिर इसको आप देखें फुल धूप में रखा हुआ है। बिल्कुल जी। ताकि ये मौसम के साथ एक्लेमेटाइज हो जाएं। ठीक। अपनी मुताबकत पैदा कर लें मौसम के साथ। सही। और ये जब थोड़े से अपना जड़ पकड़ लेंगे, हाँ बेहतरीन कंडीशन में होंगे। हाँ तो उस सूरत में हम कस्टमर को भी देंगे और अपने डीलर्स को भी पहुंचाएंगे। क्या बात। अब ये जब वो अपने घर लेके जाएगा तो फिर एक एक जब पौधा निकालेगा, जू ही निकालेगा, फौरन मट्टी तैयार होगी, वो लगा देगा। अच्छा। तो पौधे भी बेहतरीन रहेंगे, मरेगा भी नहीं। अच्छा, यानी अब ये सेहतमंद पौधा है आपका? जी सेहतमंद पौधा है, लेकिन अभी नहीं इसको देंगे। ठीक। अभी ये कम से कम 10-12 दिन और स्टे करेगा। अच्छा, 10-12 दिन बाद मजीद इसका कद जो है बढ़ेगा? और कद ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसका रूट सिस्टम जो है वो मुकम्मल डेवलप हो जाएगा। ओके। एक दफा उखाड़ने से रूट सिस्टम जरा कमजोर हो जाता है जी जी। रूट सिस्टम जब ये निकालेंगे तो बिल्कुल इसके साथ सफेद जड़ों का गुच्छा होगा। अच्छा। हर एक पौधे के साथ। ठीक। और जब लगाएंगे इसको फौरी तौर पे जमीन जी, में जी। तो ये बिल्कुल मुरझाएगा नहीं, गारंटेड। जिंदाबाद। जनाजीन, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो काजी साहब से डायरेक्ट रब्ता करें, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।